हेलो एवरीवन जैसे हमने मार्केटिंग का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने पिछली वीडियोस में मीनिंग स्कोप इंपॉर्टेंस और कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं आप जाकर चैनल में देख सकते हैं और आज हम फोर पीस ऑफ मार्केटिंग देखेंगे और उसके बाद अगली वीडियोस में मीनिंग सॉरी माइक्रो एंड माइक्रोन मोमेंट और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फोर पीस ऑफ मार्केटिंग से फोर पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ने से पहले उसका मार्केटिंग मीनिंग पढ़ लेते हैं मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग डेफिनेशन है ए मिक्सचर ऑफ सेवरल आइडियाज एंड प्लान्स फॉलोड बाई बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव टू प्रमोट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आइडियाज और प्लान्स एक कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट की डिमांड बनाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये है मार्केटिंग मिक्स एक कंपनी जो है बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करती है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जैसे एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट्स वो सब उसी को मार्केटिंग मिक्स कहते हैं समझ जाए मार्केटिंग मिक्स और एक बार एक्सप्ल करता हूँ एक कंपनी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वही मार्केटिंग मिक्स है चलिए देखते हैं मार् मार्केटिंग मिक्स के फोर कॉम फोर कॉम्पोनेंट्स या फोर एलिमेंट्स हैं जैसे प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस और इसको फोर पीस भी कहते हैं फोर पीस ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस हम डिटेल में चार पढ़ेंगे ये आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे प्रोडक्ट उसके बाद कल कल के वीडियोस में प्राइस और प्रमोशन और प्लेस पढ़ेंगे और आज प्रोडक्ट देखेंगे डिटेल में प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है फर्स्ट प्रोडक्ट का मीनिंग देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट जैसे पेन pen हो पेंसिल हो मोबाइल फ़ोन हो लैपटॉप है ये सब प्रोडक्ट ही है और उसका डिफिनेशन देख लेते हैं प्रोडक्ट का क्या है ये प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस फीचर्स एंड एक्यूम्पाइंग सर्विसेज एक प्रोडक्ट इसे कहा जाता है जिससे उसमें बहुत सारे फीचर्स रहो और वो कुछ हमें ज़रूरत हो उससे हमें कुछ बेनिफिट्स हो वही प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो पेन है पेन से क्या बेनिफिट है लिख लिख सकते हैं मोबाइल से क्या बेनिफिट है मोबाइल से कॉल कर सकते हैं इंटरनेट यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट है प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट के हम कॉम्पोनेंट्स देखेंगे प्रोडक्ट के कॉम्पोनेट्स क्या क्या है प्रोडक्ट का कॉम्पोनेंट फर्स्ट है प्रोडक्ट लाइन एंड रेंज प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट लाइन किसे कहते हैं प्रोडक्ट लाइन रिफर्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट मैनुफैक्चर बाय सिंगल मैनुफैक्चर अब प्रोडक्ट लाइन किसे कहते हैं एक ही मैनुफैक्चर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए एक ही मैनुफैक्चर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए अब फॉर एग्जाम्पल ले लो गोदरेज कंपनी गोदरेज कंपनी में देखो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे रिफ्रिजरेटर ए सी टेलीविज़न लॉकरस वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा ये प्रोडक्ट लाइन है प्रोडक्ट रेंज प्रोडक्ट रेंज।, रेंज देखते हैं प्रोडक्ट रेंज रिफर्स टू वेरिएशन इन साइज कलर फंक्शंस विद इन ईच प्रोडक्ट टाइप अब प्रोडक्ट रेंज किसे कहेंगे मतलब जो एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे वेराइटीज़ रहे उसको प्रोडक्ट रेंज बोलते हैं एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे वैराइटीज़ रहे अब फॉर एग्जांपल ले लो अब पाउंडस पाउडर है पाउंडस पाउडर अब पाउंडस पाउडर में बहुत सारे वेराइटीज़ है जैसे रोज़ फ्लेवर लेवेंडर फ्लेवर लिली फ्लेवर सनफ्लावर फ्लेवर इसे सभी प्रोडक्ट रेंज कहते हैं बहुत सारे, सारे फ्लेवर एक सा प्रोडक्टर का सब प्रोडक्ट रेंज तो प्रोड बोलते है। हैं चलिए सेकेंड कॉम्पोनेट देखते हैं प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन रिफर्स टू सेट ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल एक्टिविटीज फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू कमर्शलाइेश्स यूज़ टू क्रिएट इन यू प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं आपको कौन सा प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा रहता है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता फिल्म का प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट डिज़ाइन का आइडिया कैसा करना प्रोडक्ट कैसा डिज़ाइन होना कैसा नहीं वो कैसा वो कैसा देखते हैं अब जैसा हम न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस देखें तो फर्स्ट आता है आइडिया जनरेशन आइडिया प्लानिंग तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करने के लिए फर्स्ट हमें आइडिया आइडिया जनरेट करना होगा आइडिया जनरेट करके आइडिया जनरेट करके आइडिया इंप्लीमेंट करना उसके बाद कमर्शलाइजेशन सब करके इम्प्लीमेंट हमारा आइडिया को इम्प्लीमेंट करना और बाद में प्रोडक्ट बनाना प्रोडक्ट का डिज़ाइन देखना अगर प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा रहा तो फर्स्ट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा रहा रहता कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा इसलिए प्रोडक्ट डिज़ाइन अच्छा रहना बहुत जरूरी है थर्ड देखते हैं थर्ड कॉम्पोनेंट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ब्रांडिंग प्रोडक्ट का ब्रांड ब्रांड, ब्रांड इज़ अ नेम टर्म और सिम्बल विच इज़ इंटरनेड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ब्रांड कोई भी कंपनी अपने ब्रांड से ही फेमस होती है जब ब्रांड अच्छा रहेगा तो ये कंपनी प्रोडक्ट गिरेगा ब्रांड कैसे करते हैं ब्रांड मतलब अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एप्पल का ब्रांड एप्पल का जैसा शेप है एप्पल का वो देखते हैं हम शेप देखते ही मालूम हो जाता है कि एप्पल का एप्पल कंपनी का, का, का फ़ोन है बोल के इसलिए हमारे कम हमारे ब्रांड भी ब्रांड नेम भी अच्छा बनाना ब्रांड नेम कैसा बन सकता है कंज्यूमर का अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के इसलिए प्रोडक्ट का ब्रांड भी अच्छा रहना फोर्थ है प्रोडक्ट पैकेजिंग पैकेजिंग एज टू प्रोवाइड अ कंटेनर रैपर टू द प्रोडक्ट फॉर सेफ्टी अट्रैक्शन इजी ऑफ यूज़ एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट पैकेजिंग पैकेजिंग क्यों करते हैं अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए सेफ्टी के लिए और वो खुद अच्छा दिखना और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना बोल अब देखिए पैके, पैकेजिंग कैसा होता है रैपर में होता है जैसे कार्टोन्स पॉलीथिन इसमें रैपर होता और कंटेनर्स केमिकल्स को स्टोर करने के जो कंटेनर्स uh, होता है उसे कंटेनर कहते हैं जब ये दो पैकेजिंग अच्छी रहेगी तो प्रोडक्ट हमारा अच्छा दिखेगा और सेफ्टी रहेगा इसलिए पैकेजिंग में प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना भी ज़रूरी है फिफ्थ है प्रोडक्ट ग्रेडिंग ग्रेडिंग इज द सॉर्टिंग ऑफ द गुड्स इन टू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ टाइप वेट क्वालिटी एक्सेट्रा अब ग्रेडिंग क्या है कंपनी क्या करती है जो एक ही एक ही तरह के गुड्स है एक ही तरह का प्रोडक्ट है वो अलग कर देती है साइज़ एक ही तरह का साइज़ टाइप वेट क्वालिटी देख देख के अपने प्रोडक्ट को अलग अलग करते करती है इसे प्रोडक्ट ग्रेडिंग कहते हैं अब जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट पाउंडस पाउडर अब पाउंडस पाउडर के पूरे रोज फ्लेवर एक जगह करती है लिली फ्लावर लिली फ्लेवर एक जगह करती है सनफ्लावर के फ्लेवर एक जगह करती है और ड्रीम फ्लावर के फ्लावर फ्लेवर एक जगह करती है इसे प्रोडक्ट ग्रेडिंग कहते हैं सिक्स देखते हैं प्रोडक्ट लेबलिंग प्रोडक्ट लेबलिंग इज द रिटर्न इंफॉर्मेशन ऑफ द पैकेजेस दीज रिटर्न लेबल्स ऑन द पैकेजेस कवर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट विच नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू अ कस्टमर अब प्रोडक्ट लेबलिंग किसे कहते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर उसके बारे में लिखे बोला है प्रोडक्ट का क्या क्या यूज़ है कहाँ का बेनिफिट करता है इसे ही लेबलिंग कहते हैं जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रहता है उसे ही लेबलिंग कहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन रहता है क्या क्या बेनिफिट है क्या क्या नहीं इसे प्रोडक्ट लेबलिंग करते हैं लास्ट है आफ्टर सेल सर्विस आफ्टर सेल सर्विस मार्केटिंग कावर्स आफ्टर सेल सर्विस गिवन टू कस्टमर्स इटिंग क्लूस इंस्टॉलेशंस सर्विसिंग रिपेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा अब प्रोडक्ट क्या करता है सेल सर्विस भी देता है अब मतलब सेल हुए के बाद भी बाद में सर्विस देना अब जैसे अब कोई प्रोडक्ट अब खराब हुआ डिस्ट्रॉय हुआ या फिर डैमेज हुआ तो उसकी रिपेयरिंग करना उसका उसकी सर्विसिंग करना करने ये इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा कस्टमर्स का वेलफेयर अच्छा जाता और हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते इसलिए मार्केटिंग ये सॉरी प्रोडक्ट सेल सर्विस में थे था। ये थे प्रोडक्ट के कॉम्पोनेंट्स बहुत ही उठा है आज हमने जैसे प्रोडक्ट का देख लिया है फोर पीस में प्रोडक्ट का देख लिया है कल हम कल अगली वीडियोज़ में प्राइस देखेंगे प्रमोशन देखेंगे और प्लेस देखेंगे थैंक यू